लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तक तो आप लोग यही समझते रहे कि करप्शन से बुरी दुनिया में कोई चीज नहीं है, मगर मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि करप्शन से भी बुरी एक चीज है, और वो है एडल्ट्रेशन। और एडल्ट्रेशन से बुरी चीज है करप्टेड एडल्ट्रेशन, और करप्शन से बुरी चीज है एडल्ट्रेटेड करप्शन। इन संख्याओं की घोषणा जब होगी तभी आपको अंदाजा होगा कि एडल्ट्रेटेड करप्शन ज्यादा बुरी है या करप्टेड एडल्ट्रेशन ज्यादा बुरी है, राइट? एसी और डीसी, जिन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है वो जानते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट को कहते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट को कहते हैं, मगर यहां पर एसी है एडल्ट्रेटेड करप्शन। एसी, ए फॉर एडल्ट्रेटेड, सी फॉर करप्शन, डीसी है डायरेक्ट करप्शन। तो डीसी से बदतर, बदतर, बदतर इंग्लिश में बेटर को कहते हैं, राइट? बदतर, बटर, वेट अ मिनट, डीसी से बटर, बदतर, डीसी से बदतर क्या है? पत्थर। डीसी से बदतर एसी, एडल्ट्रेटेड करप्शन। अब अंदाजा लगाइए इन चीजों का कि कहां तक हालात बिगड़ चुके हैं। एक टाइम था जब आपके मसालों में घोड़े की लीद मिलाई जाती थी, राइट? उस वक्त करप्शन इतनी नहीं थी, एडल्ट्रेशन ज्यादा थी, तो उनको मौका मिल जाता था कि आपके मसालों में घोड़े की लीद मिलाते। अब जब से करप्शन भी साथ साथ फैल गई है तो बे इंतहा एडल्ट्रेशन भी होती चली गई है। और अब क्या हुआ है कि पहले तो घोड़े की लीद आपके मसालों में मिलाई जाती थी, अब एडल्ट्रेटेड घोड़े की लीद आपके मसालों में मिलाई जाती है, डबल एडल्ट्रेशन, डीडीसी। तो अब ऐसे हालात के अंदर हम लोग क्या करें, राइट? क्या करें? कोई तो कहते हैं कि घोड़े की लीद के अंदर एडल्ट्रेशन इतनी दी है, मसाले की एडल्ट्रेशन घोड़े की लीद में डाल दी है, राइट? घोड़े की लीद में मसाले की एडल्ट्रेशन बुरी है, या मसाले में घोड़े की लीद की एडल्ट्रेशन बुरी है, या दोनों का मिश्रण बुरे से बुरा है, राइट? इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट। आप वेजिटेरियन फूड लाइक करते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड। अब यही देखिए, मैं नीली प्लास्टिक की टोपी लाया और कपड़े की ऐनक, नीले कपड़े की ऐनक, सॉरी, नीले प्लास्टिक की ऐनक और नीले कपड़े की टोपी, और जरा सा मैं इसको पानी में धोता हूं तो देखिए क्या होता है। धोते ही नीली प्लास्टिक की ऐनक लाल प्लास्टिक की ऐनक बन गई, और लाल कपड़े की और नीली कपड़े की टोपी लाल कपड़े की टोपी बन गई। जरा सा पानी की बूंद पड़ी तो ऐसा हुआ, छींटे पड़ने पर यह हाल हुआ है, बाल्टी पड़ जाती तो क्या होता, राइट? तो बाल्टी का भी रंग बदल जाता। इस तरीके से करप्शन पे इंतहा लेवल पे उतर आई है। देख लीजिए, अभी दूसरी टोपी भी मैं लाया था, अभी दिखाता हूं आपको। यह मुझे मिली करप्टेड काउबॉय हैट, राइट? और जरा सा पानी में मैंने धोया तो क्या इसका हाल हुआ, देखिए, ये श्रिंक करके ऊंट के मुंह में जीरा बन गया, राइट? बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से मैं इस बंदूक को खरीद के लाया और एक गोली मैंने इससे फायर की। वो इतनी छोटी श्रिंक कर गई, अभी तो पानी की बूंद भी नहीं उस पर डाली थी। और जो गोली मैंने अपनी बंदूक से फायर की थी, मैंने समझा था वो 0.202 की कार्ट्रिज है, और वो गोली निकली जेबी मंगाराम की मीठी गोली, और वो मीठी भी नहीं थी क्योंकि उसमें शुगर के बकाए क्या पड़ा था, शुगर के बजाय क्या पड़ा था, चीनी, यानी चाइना से लाई हुई चीनी जिसमें मिठास नहीं थी। मगर हमारी एसी डीसी कमेटी ने
इसका समाधान निकाल लिया है। एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, एसी एडल्ट्रेशन करप्शन, एडल्ट्रेशन ऑफ करप्शन एंड डीसी डायरेक्ट करप्शन, हम दोनों ने इसका ये समाधान निकाला है कि बढ़ाया जाए, करप्शन को बढ़ाया जाए, एडल्ट्रेशन को बढ़ाया जाए, इस कदर बढ़ाया जाए, इस सीमा तक बढ़ाया जाए कि एडल्ट्रेटर्स करप्ट होकर, एडल्ट्रेटर्स करप्ट होकर और करप्टर्स एडल्ट्रेट होकर इतनी ज्यादा करप्शन और एडल्ट्रेशन फैलाएं कि चारों तरफ करप्टेड फूड हो, चारों तरफ करप्टेड मनी हो, चारों तरफ करप्शन और एडल्ट्रेशन इस कदर फैल जाए कि एडल्ट्रेटर्स और करप्टेड करप्टर्स अपना खाना खुद खा के सब के सब पृथ्वी से जहाने फानी से कूच जाएं। ना रहेगा बैंस तो ना बजेगी बैंजरी। करप्शन का इलाज करप्शन में ही है, एडल्ट्रेशन का इलाज एडल्ट्रेशन में ही है। इस कदर बढ़ाइए कि दोनों का सफाया पृथ्वी से हो जाए। हाउ इज दैट? पुट देम ऑन अ रॉकेट टू मार्स एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, राइट? दैट विल बी द एंड ऑफ द रॉकेट, बिकॉज द रॉकेट विल ऑल्सो बी करप्टेड, राइट?